नमस्कार दोस्तों, अब पार्ट टू की तरफ हम आ गए हैं। पार्ट टू में आ गए हैं जूलियन ब्राउन वाली जो मैंने एपिसोड बनाई थी, जो दावा करती थी कि वो किसी को भी मार सकती हैं, किसी को भी ठीक कर सकती हैं। जिनको जूलियन ब्राउन के बारे में नहीं पता होगा वो पार्ट वन देख ले मेरे चैनल पे। बात शुरू करने से पहले कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो वो वहाँ पे तबाही, जो मायूसी, इतना ज़्यादा क्राइम रेट, पुलों का गिरना और लोगों का ज़मीन गायब हो जाना, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ जब हो रही हो तो इसे एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्या फैक्टर्स हो सकता है इसके पीछे? मेरी कोशिश है कि मैंने उसी तरह के पॉइंट्स को रेज किया इस वीडियो में। फिर भी एक बात बोलूँगा, इस तरह के मिस्ट्रीज़ में साइंस बौना हो जाता है, समझ से बाहर हो जाती कई चीज़ें। इतनी भारी तबाही, और वो भी किसी को पता था, किसी ने बोला था कि जिस दिन मैं जाऊंगी सबको ले करके जाऊंगी। एक ये मतलब कोई, ये बड़ी ही मिस्टीरियस बात है अपने आप में। ये तुक्का नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतना तगड़ा कोइंसिडेंस अगर होने लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट्स पे डिस्कशन होगा इस पे, इसके आगे स्टोरी समझ में आ जाएगी। शॉर्ट में बस एक ब्रीफ कर देता हूँ कि एक लेडी वो क्लेम करती थी अमेरिका में 1914-15 की बात है कि उसके अंदर कुछ जादुई शक्ति है, वो किसी को भी ठीक कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। और किसी कारणवश काफ़ी वो नाराज़ थी और उसके एरिया में पेड़ वेड़ कट रहे थे, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़ थी। लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे और उसने ये कहा था जिस दिन मैं मरूँगी सबको लेकर के जाऊँगी, मतलब तबाह कर दूँगी। हुआ भी ऐसा था, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तो लगभग 300 लोग मर गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस टाइम में $13 मिलियन का उस स्टेट को नुकसान हुआ था। ये तबाही शुरू कैसे हुई? क्या वाकई में जूलियन ब्राउन के पास ये पावर थी कि शायद उनको अपना फ्यूचर दिख गया था, या उनको फ्यूचर दिख गया था जो होने वाला है उस इलाके में? इसमें मेरी ना मिक्स्ड फीलिंग है इसमें, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी लॉजिक पे, साइंस के बेस पे। फ्रेनियर जहाँ पे वो रहती थी, जो वो कस्बा था, जो प्रोविंस था, ये लुइजियाना में थोड़ा सा शी शोर से काफ़ी अंदर है ये। और जैसा आपको बताया मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि वहाँ पे साइप्रस के पेड़ की कटाई शुरू हो गई थी। फ्रांस और अमेरिका की कुछ कंपनी बहुत ही बड़े पैमाने पे पेड़ काट रहे थे साइप्रस के। अब साइप्रस के पेड़ के बारे में बता देता हूँ। साइप्रस के पेड़ जो हैं, इनकी जो लाइफ होती है मिनिमम 300 साल, और एवरेज लाइफ मतलब कहा जाता है कि 900 साल 1000 साल तक के भी होती है। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, 2012 तक साइप्रस का ही एक पेड़ था जो कि इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर था, और उसकी पता है उम्र क्या थी उस पेड़ की? 3500 साल, 3500 साल उसकी उम्र थी, जिसे कि वो वाइल्ड फायर में, मतलब जो जंगल में आग लगती है, वो तबाह हो गया वो पेड़। और ये साइप्रस की पेड़ पे आते हैं फिर से। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ये मिट्टी वगैरह को ना ग्राउंड के पूरे रिटेन करके रखते हैं। एक तरीके से अब समझ लीजिए कि ये गॉड का इंजीनियरिंग ही है कि ऐसे इलाके में जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरिकेन आता है, और है भी वो एरिया जो है वो गल्फ स्ट्रीम जोन में है, तो वहाँ पर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 2 या कभी कभी 5 भी का हरिकेन आना, ये एक बड़ा नेचुरल सी बात है, अब ये खुद आप समझिए कि जहाँ पर ये सब होता है, जहाँ पे चांसेस होते हैं हरिकेन आने के, साल में 2 या 3 हरिकेन या 1, तबाही तो किसी से भी हो सकती है। वहाँ पे इस तरह के पेड़ थे जो कि एक ये नेचुरल एलिमेंट था उस एरिया को बचाने का। पानी को पहले तो क्या होता था कि पानी को अंदर ये एंटर नहीं करने देते थे लैंड में ये पेड़। दूसरी चीज़ है कि जो हरिकेन में आपके हवा का जो प्रेशर होता है, कभी कभी इसकी स्पीड जो है 280 किलोमीटर 300 किलोमीटर भी हो जाती है। 250 तो आप मान के चलिए, 200-250-180 किलोमीटर इतनी तो हो ही जाती है। इतना तो इंडिया में भी आया है, 180 का उड़ीसा में आया था, 180 पे ही सारी ट्रेन के लाइंस पटरी वगैरह उखड़ गई थी। इसको हम टाइफून बोलते हैं, ताइवान एरिया में, चाइना के आसपास, फिलीपींस में। इंडिया में हम साइक्लोन बोलते हैं,
और अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, मतलब वेस्टर्न हेमस्फियर में। और ऐसे बवंडर, बहुत ही एक कॉमन सा शब्द है बवंडर, वो घूमता हुआ बिल्कुल आता है। ये जो ऐसे घूमता है वो एंटी साइक्लोन है, जो ऐसे घूमता है वो साइक्लोन है। खैर, उस पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट दिया गया, उन पेड़ों को वहाँ पर। उसके बाद जब ये कटाई उनके एरिया तक पहुँची, तो उन्होंने एक तरीके से डायरेक्ट पंगा ले लिया था उन कंपनी से और गवर्नमेंट से। लेकिन चूंकि उनका उतना रुतबा इतना ज़्यादा था उस कस्बे में, कि एक उसको माना जाता था कि भगवान का, गॉड का दिया हुआ इसके पास पावर है, तो इसको कोई छू भी नहीं सकता। मतलब ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि हाँ वहाँ के जो काउंटी है या थाने वाले आकर के उसको तंग करते तो लोग छोड़ देते, ऐसा नहीं था। स्ट्रांग थी अपने आप में लेडी काफ़ी, बट फिर भी गवर्नमेंट से आज तक कोई नहीं लड़ पाया है, वो लड़ना भी नहीं चाहिए। उन कंपनीज ने इतनी बुरी तरीके से तबाह किया। अब ये ऐसा नहीं है कि जूलियन ब्राउन ने बोला है या उसके एक साल पहले से हो रहा था। अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखा जाए तो पिछले 10-15 साल से वो कटाई हो रही थी, लेकिन अब जूलियन ब्राउन को पता तब लगा जब वो इनके इलाके में होने लगा। तो तय सी बात है कि हरिकेन तो पहले भी आता होगा वहाँ पे, लेकिन इनकी थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि इस एरिया, जैसे इस एरिया के बाद काफ़ी यहाँ पे जंगल है, वो भी साइप्रस के पेड़ बताए, बहुत हाइट भी होती है इसकी। और मैं एक बात बताता हूँ, कई पेड़ जो होते हैं इनकी जो आप कह लो कि मोटाई, जैसे इसकी है, ये हार्डली मेरे ख्याल से होगा एक मीटर, 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा। कई पेड़ की होती है इसकी जो मोटाई होती है 15 मीटर तक हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये इकोसिस्टम के लिए। अब यही बोलेंगे कि वहाँ पर जो पेड़ वेड़ कट गए थे, हरिकेन आया सब कुछ तबाह हो गया, लोगों ने इसको ले लिया इसमें कि हम रेलवे, कुछ 25 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर लिया था, जो रेलवे शेल्टर था उनका, रेलवे शेड था, वो भी ढह गया था। तब के लोग मानते होंगे कि हाँ ये ढह नहीं सकता क्योंकि बहुत मजबूत है, लेकिन इस तरह का फोर्स जो नेचर के फोर्स के सामने कुछ नहीं चलता, आपने उत्तराखंड में भी देख लिया होगा अभी हाल फिलहाल। हरिकेन आया, सब कुछ साइप्रस के बारे में बता रहा था आपको। दूसरा मिस्टीरियस क्वेश्चन है, लोगों की ज़मीन वहाँ क्यों गायब होने लगी। लोगों की ज़मीन वहाँ पे लोगों का कंप्लेन था कि लोगों की ज़मीन गायब होने लगी, और ये सब कुछ, ये मामला सब लाइट में आया है जूलियन ब्राउन के डेथ के बाद, मतलब 10 साल 15 साल के बाद। जो वहाँ के विलेज के लोग थे, उनकी जो खेती की जो ज़मीन थी वो गायब होने का मतलब उसके ऊपर पानी आने लगा। और अगर समुंदर का पानी आ गया एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ खेती होती है, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो खेती हो नहीं सकती क्योंकि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, शायद ही कुछ हो जो वहाँ सर्वाइव करे। और ये बहुत बड़े तादाद में हुआ है, तो लोगों के अंदर ये मिथ, उनके अंदर ये बात आ गई कि ये सारा जूलियन ब्राउन के शाप के कारण हो रहा है। देखिए, मुझे तो ये लगता है इसमें मामला वही साइप्रस के पेड़ वाला है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस जिस तरीके से आ रहे हैं, जिसको जो लगता है वो इंडिपेंडेंट है सोचने के लिए। श्राप भी अगर कोई सोचे तो मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ उस पर। मैंने अपनी ये थिंकिंग बताई, अपना लॉजिक बताया। तीसरी बात है, और नहीं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जोड़ता हूँ कि लुइजियाना अभी आज के डेट में भी अमेरिका का पहला ऐसा स्टेट है जिसके सबसे ज़्यादा ज़मीन पानी में जा चुकी है। और ये तो देखिए कितने सालों से हो रहा है, ये 100-125 सालों से ये हो रहा है। लुइजियाना की ज़मीन बहुत ज़्यादा पानी में जा चुकी है। एक और मिस्टीरियस क्वेश्चन, तीसरा, सबसे ज़्यादा ब्रिज के हादसे वहाँ ही हुए हैं, लुइजियाना में हुए हैं, और अमेरिका के और किसी स्टेट में नहीं हुए। क्या रीज़न हो सकता है इसका। वहाँ पे लोग इसको भी मानते थे कि ये भी श्राप के कारण होता है। मैं बताता हूँ, उसमें जो मोस्टली जो ब्रिजेस के हादसे पहले हुए हैं 50 से पहले, उसमें से कई ब्रिजेस थे जो 150 साल पुराने थे, और उन ब्रिजेस को बनाया गया था फ्रेश वाटर, मतलब जैसे एक टेम्पररी, आपने देखा होगा छोटी सी नदी या नाला होता है, बारिश जब आती है तो उसमें पानी भर जाता है, उस तरह के ब्रिजेस थे। उन ब्रिजेस को नहीं डिज़ाइन किया गया था कि 24 आवर्स समुंदर का पानी, अप टू 1 मीटर ही समझ लीजिए आप, इतना भी अगर है तो
तो ये क्या करता है, सॉल्ट वाटर जो होता है ये मेटल को बहुत जल्दी जंग लगाता है, मतलब कोरोजन बहुत जल्दी कोरोजन होता है सॉल्ट वाटर से। इवन समुद्री एरिया में अगर कोई ब्रिज बनता है तो उसके इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा जाता है। इवन वहाँ जो हवा भी, जो हवा में इतनी नमी होती है, हवा चलने से भी मेटल के स्ट्रक्चर पे खतरा रहता है। मैं ये समझ पाया हूँ कि इसका रीज़न यही है, ब्रिज हादसों का ये रीज़न है कि वो ब्रिज डिज़ाइन नहीं थे कि वो सॉल्टी वाटर को सस्टेन कर पाए वो, या ऐसे डिज़ाइन नहीं थे कि 24 घंटा वहाँ पे पानी हो उसके बेस पे। जबकि वो ब्रिज को बनाया गया था वो बहुत सारे छोटे मतलब सूखे सूखे नाले होते हैं, बारिश जब होगी तब उससे पानी जाता था। तो ब्रिज का तो मामला मुझे ये लगता है। तीसरा मामला, वहाँ क्राइम बहुत होने लगा था, और आज भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है लुसियाना में, अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्राइम इसलिए होने लगा, अगर डेटा मैंने निकाल करके देखा है, वहाँ का सब कुछ देखा है कि वहाँ के मतलब लोगों में एम्प्लॉयमेंट कितना है, मतलब कितने खुश हैं लोग, समृद्ध कितने हैं, तो ये बहुत ही मायूस करने वाला डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों में अनरेस्ट का माहौल है, जिनकी ज़मीनें चली गई है, और आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ पुराने बसे हुए, उनको डर लगता है उनकी ज़मीन में भी पानी पानी निकल जाएगा। अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये तो होगा ही होगा अगर इसको रोका नहीं गया तो। कभी कभी तो ये भी लगता है कि अब जितना हम क्लाइमेट के बारे सोच रहे हैं बहुत लेट हो चुका है, मुझे ये लॉजिक लगता है इसमें। और आज अगर वहाँ पे आज भी क्राइम हो रहा है तो इसका एक रीज़न है, मैं जो समझ पाया हूँ, पढ़ा भी है सुना भी कहीं, किसी एरिया में अगर कुछ पास में काफ़ी कुछ बुरा हुआ होता है ना, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास करता जाता है। मुझे इसका रीज़न TGT लगता है ये हो सकता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें पास हो गई हो, जो भी वहाँ पे पिछले 100 साल में जो भी वहाँ पे हुआ है, क्राइम भी हुआ है, लोगों के पास काम भी नहीं था, जिनके पास था उनकी ज़मीन जायदाद चली गई, एक ये रीज़न हो सकता है। बट फिर भी देखिए, हर चीज़ को तो मैं समझा पाया हूँ साइंस के नज़रिए से, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको सही माने गलत माने। कोई अगर इसको कहता है श्राप भी है तो मैं उसको क्रॉस तो नहीं करूँगा। एक बात को मैं कभी नहीं समझा पाऊँगा, एक बात को, सब कुछ सही है, मैंने ब्रिज का बता दिया, पानी बहाने का बता दिया, ज़मीन गायब हो जाती है तो वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, वो भी बताया मैंने अपने एनालिसिस पे। एक बात मैं कभी नहीं, या कोई कभी नहीं बता पाएगा इस बात को, कि जूलियन ब्राउन को ये पता कैसे था कि जिस दिन मैं मरूंगी सबको ले जाऊंगी। मतलब क्या ये कोइंसिडेंस है कोई? और अगर कोइंसिडेंस है तो इतना एक्यूरेट, मतलब काफ़ी एक्यूरेट है ये। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्ट्री का मामला मुझे लगता है, जिसको समझ पाना मेरे लिए मुश्किल है, साइंस के लिए भी मुश्किल काम है ये आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या, आने वाले 50 साल में भी नहीं समझा जा सकता इस बात को। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप अगर कुछ ऐसी वीडियोस भी देखना पसंद करेंगे, जैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब पेड़ों को काटा जाता है तो एक तरीके से चीखते हैं, और जो इनके साउंड का स्पेक्ट्रम होता है वो बड़ा स्पेशल होता है, उसको कुछ जानवर ही डिटेक्ट कर सकते हैं। आप मानो या ना मानो, अगर पेड़ की कहीं कटाई हो रही है, आप देखना कुछ जानवर जो होते हैं ना, उनके बिहेवियर में एकदम चेंजेस आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो। और जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई कहीं बाहर जाकर वीडियो बनाओ वो करो, देखिए हमारे मेरे पास उतना टाइम नहीं है बाहर जाऊँ वीडियो करूँ। कहीं भी बाहर के लोकेशन में जा करके मैं वीडियो करूँगा तो कम से कम 3 दिन लग ही जाएंगे। अब सागर भाई से पूछो ना, सागर भाई जितना घूम करके भी उन्होंने वीडियो किया है, अपनी गाड़ी पे जाते हैं, डीजल का क्या रेट है, 100% बता रहा हूँ, जितना उन्होंने अभी तक लगा दिया है इसमें, उनको यूट्यूब से आया नहीं होगा भी ये जितना उन्होंने खर्च कर दिया है। कहाँ कहाँ चले जाते हैं, 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं वो, बट वो जो व्यूज़ मिलना चाहिए नहीं मिलता है ना उनको, एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए, और क्योंकि मैं बिज़नेस में हूँ, ऐसे ही बहुत टफ टाइम चल रहा है कोविड के बाद सबका, तो मैं बिज़नेस से ना अपना ध्यान नहीं हटा सकता, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियोस लेकर के आ जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या कुछ। हाँ, ऐसा कभी हुआ मुझे अगर समय मिला, मैं वेकेशन पे सोच रहा हूँ, जाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद झारखंड,
ज़्यादा टाइम रहूँगा तो वहाँ पे आउटडोर लोकेशंस पे वीडियो कर लूँगा मैं, बट स्पेशली मैं नहीं जा सकता। और मुझे पता है कि मैं जाके वीडियो करूँगा अभी तो उस पर व्यू नहीं आने वाले भैया, मुझे देखिए चीखना चिल्लाना नहीं आता है, मुझे बताना नहीं आता पेड़ पे चुड़ैल है, पेड़ अगर हिल रहा है तो चुड़ैल हिला रही है या चुड़ैल ने फेंक दिया किसी को उठा करके या भूत खाने के लिए आ रहा है। मैं तो बोल नहीं पाऊँगा ये सब, अब बोल नहीं पाऊँगा तो कोई देखेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबसे, मेरा एक 12-13 साल का एक फैन है कृष्णिल, वो मुझे मैसेज कर रहे थे बार बार फेसबुक पे, सर आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। बात की मैंने एक दिन उनसे, वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बच्चों की जो गेमिंग चैनल होती है वो चलाते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा उनके चैनल का। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग भी आपकी फैमिली में जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है उनको रेकमेंड कीजिए, ऐसे ही आप एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, कोशिश करूँगा जल्दी कोई वीडियो लेकर के आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सब खुश रहें, जय हिंद जय भारत।